खंडवा सांसद और भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार सिंह चौहान के निधन के बाद खंडवा भाजपा कार्यालय शोक में डूबा है। यहां पहुंचे जिले के भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने अपने बीच एक कुर्सी खाली छोड़ी है। यही वो कुर्सी है जहां अक्सर नंद कुमार सिंह चौहान बैठते थे और अपने कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों और आम नागरिकों से चर्चा करते थे। भाजपा पदाधिकारियों को आज भी इस कुर्सी से अपने बीच नंद कुमार सिंह चौहान के उपस्थित होने का एहसास होता है। भाजपा विधायक राम दांगोरे ने कहा कि नंद कुमार सिंह चौहान निमाड़ क्षेत्र में राजनीति की यूनिवर्सिटी है, उन्हें जितना पढ़ा जाए उतना ही कम है। उनके जाने से न केवल निमाड़ क्षेत्र में बल्कि प्रदेश भाजपा को अपूर्णीय क्षति हुई है। भाजपा जिलाध्यक्ष सेवादास पटेल ने कहा कि हमने भाजपा कार्यालय में आज भी हमारे बीच एक कुर्सी खाली छोड़ दी है, इससे एहसास होता है कि नंद कुमार सिंह चौहान आज भी हमारे बीच मौजूद है। माननीय नंद कुमार सिंह चौहान, माननीय नंदू भैया, एक राजनीति की ऐसी यूनिवर्सिटी थे कि उनको जितना पढ़ा जाए उतना कम है। वो न सिर्फ सकल निमाड़ में बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में प्रेरणा का पुंज थे। उनका व्यवहार कौशल, कार्यकर्ताओं से मिलना जुलना, जनता की समस्याओं को सुनना हमें उनकी ओर आकर्षित करता है। ऐसे व्यक्तित्व को भुला पाना नामुमकिन है, हम कभी उनको भुला नहीं पाएंगे। वास्तविक में उनके जाने के बाद जो अपूर्णीय क्षति यहाँ हुई है उसका हम पूर्ति तो नहीं कर सकते, पर उनके सिद्धांत, उनके मार्गदर्शक, उनकी प्रेरणा से हम पार्टी में काम करते रहेंगे। वास्तविक में जब भैया, जब हम कार्यालय में जब तो आते भैया आते थे बैठते थे, पर आज जिसे हम आए तो हमको लगा कि यार ये कुर्सी वास्तविक में भैया आते थे, हमको लगा भैया आज भी हमारे बीच में है, ऐसा हमको लग रहा है, इसीलिए हमने कुर्सी उनको खाली छोड़ी है।